वॉर इज अप फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? सब खैर से, सब मजे में। तो आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं कैसे तुम अपने मन में सिर्फ सोच के अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टर्म है जिसको मेरे भाई तुमने अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर सुना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुम कैसे अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो और कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी हाइट को इंक्रीज़ करा, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में, लास्ट तक देखना। तो वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑसम होने वाली है, तो इसको लास्ट से देखना और स्किप मत करना। ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, स्किप बिल्कुल भी मत करना वीडियो को। और उसके साथ साथ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो का मेन पॉइंट क्या है? आज की वीडियो का मेन पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज करें। सबसे पहले मैं बता देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपको एक चीज़ अपने मन में बार बार सोचना होती है, बिल्कुल एक शांत सी प्लेस में बैठ के, कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है। और जैसे मान लो अगर आपको अपनी हाइट इंक्रीज करना है तो आपको ध्यान लगाकर बैठना होगा और सोचना होगा कि मेरी हाइट, भले आपकी हाइट 5 फीट या 4 फीट हो, लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इस स्टेट में ऐसे बैठ के मेडिटेशन की स्टेट में ये सोचना होगा कि मेरी हाइट जो है वो अब जो है वो 6 फीट हो चुकी है, और 6 फीट हाइट होने के बाद मैं कैसा लगूंगा, क्या मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएंगे, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे। सब आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने का सबसे पहला पॉइंट, आपको पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। आपको पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए, आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए, कोई भी फालतू के थॉट्स नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना सोचना है कि आप जो चीज़ ये कर रहे हो ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देने वाली है। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात रिजल्ट दे दे, इसमें आपको अपने टाइम को और अपने हार्डवर्क को लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बहुत ही औसम रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई, आपको पेशेंस रखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिर्फ 2 से 4 दिनों में रिजल्ट दे देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए हैं तो। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हो और क्या क्या सही तरीका है जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, और अपनी हाइट में सिर्फ अपने माइंड में सोच के बहुत ही आसानी के साथ अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आपको क्या करना है और कैसे करना है, परफॉर्म करना है इस ट्रिक को, जिससे आपकी हाइट में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिक के लिए मेरे भाई सबसे पहले आपको एक प्लेन पेज ले लेना होगा। प्लेन पेज लेने के बाद आपकी जितनी भी हाइट आप चाहते हो, जैसे मान लो अगर आपकी हाइट 5 इंचेज़ है और आपको अपनी हाइट जो है वो 6.2 करना है या 6.4 इंचेस करना है, तो आपको जितनी हाइट करना है आपको सिंपली उसको लिखना होगा इस टाइप से। माई हाइट इज़ जितनी भी आप हाइट चाहते हो वो, जैसे यहाँ पर मैंने इसको जब कर दिया जब मेरी हाइट 6.2 इंचेस, 6 फीट 2 इंचेस थी, लेकिन अब मेरी हाइट 6 फीट 5 इंचेस है। तो जब मैंने करा था तो मुझे 6.2 इंचेस हाइट चाहिए थी, लेकिन उसके बाद मैंने और एक्सरसाइज वगैरह और डाइट लेके अपनी हाइट को और इंक्रीज़ कर लिया। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। आपको सिंपली लिखना होगा माई हाइट इज़ 6.2, थैंक यू यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स को शुक्रिया कहना है, उसको धन्यवाद कहना है, उसको मतलब एक तरीके से ग्रीट देना है उसको, उसको बताना है कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरी हाइट 6.2 इंचेस करने के लिए। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में आपकी हाइट 5 फीट है, आपको इस बात को भूल जाना है। आपको ये ध्यान रखना है बस कि आपकी हाइट जो है वो 6.2 इंचेस हो गई है, और अब आप इसको पहले 11 बार या फिर 22 बार या फिर 33 बार, इसमें से किसी बार भी आप इसे एक प्लेन पेपर पे लिखो, और लिखने के बाद बुक को अपनी कर दो बंद, जिस पे आपने लिखा है उसको बंद कर दो, और 5 मिनट जो है वो बिल्कुल ध्यान लगा के, आप चाहो तो इसको मेडिटेट कर सकते हो इससे पहले, ध्यान लगाने से पहले आपको 5 मिनट जो है वो बिल्कुल ध्यान लगा के बैठना है एक शांत सी प्लेस में जहाँ पर बिल्कुल भी शोरगुल ना हो। वहाँ बैठने के बाद आपको सिर्फ अपनी आँखों को बंद करके अपने माइंड में सोचना है कि आपकी हाइट जो है वो 6 फीट 2 इंच हो गई है, और आप अब बहुत ही पहले से बेटर फील कर रहे हो। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं, लोग आपको किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी हाइट को बहुत ही मतलब सराह रहे हैं एक तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीडबैक्स आपकी हाइट के रिलेटेड दे रहे हैं, ये आपको 5 मिनट तक सोचना होगा अपने माइंड के अंदर। उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है और अपने एज़ यूज़ुअल डेली वर्क जो आप करते हैं आपको वो करना होंगे।
तो मेरे भाई आपने यूनिवर्स का शुक्रिया कर दिया और आपने 5 मिनट अपने माइंड में सोच भी लिया है। उसके बाद आपको अपने जो भी डेली वर्क करना है वो करिए, इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल सोचना इसके बारे में बंद कर दीजिए। जो आपका डेली रूटीन है, आपको जिम जाना है, आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, जहाँ भी जाना है आप जाइए, इसको भूल जाइए। नेक्स्ट डे फिर आपको क्या करना है, आपको फिर नेक्स्ट डे ये सेम चीज़ रिपीट करना है। आपको एक पेज पर जो है वो इसको 11 बार 22 बार या 33 बार लिखना होगा और उसके बाद आपको एक शान से रूम में जहाँ बिल्कुल भी चिल्ला पुकारी ना हो, बिल्कुल क्वाइट पिन ड्रॉप साइलेंस हो, वहाँ पर आपको बैठ के 5 मिनट ये सोचना है कि आपकी हाइट जो है वो 6 फीट 2 इंचज या जितनी भी आप चाहते हो उतनी हो गई है और आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको आपकी हाइट रिलेटेड बहुत सारा फीडबैक दे रहे हैं। देखिए अगर आप इसको पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं, टाइम लगाते हैं इसमें, हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। लिटरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर एक बंदे ने मुझे डीएम करा था, उसने बोला कि भाई मैं अपनी आई कलर चेंज कर चुका हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं उनके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने थे, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से एक्ने को बिल्कुल साफ़ कर दिया अपने फेस से। ग्लोइंग स्किन चाहिए थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो भी मिल गई। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, अगर जिसको हम सही तरीके से यूज़ करना सीख गए तो हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। देखिए अब आपको एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ जो आपको हर कोई नहीं बताने वाला, आपको सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही निर्भर नहीं रहना है। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मान लो अगर आप एक जॉब जो है आपको एक जॉब चाहिए, तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करोगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। मतलब हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक क्राइटेरिया है। आप इसको परफॉर्म कर रहे हो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इसके साथ अगर आप और चीज़ें भी कर रहे हो, जैसे आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हल्की फुल्की स्किप रोपिंग कर रहे हो, आप जंप रोप्स कर रहे हो, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट तो मिलेंगे मिलेंगे, इसके और उसके रिजल्ट जो कंबाइन होकर आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको बहुत ही ह्यूज रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी हाइट में या फिर जिस चीज़ के लिए भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं उसमें। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत पावरफुल आप कह सकते हैं तरीके से वेपन है, अगर आप इसको सही से यूज़ करना सीख गए तो यूज़ करिए इसको। और अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो कैसे यूज़ करना है या क्या क्या चीज़ें करना है जो मैंने प्रोसीजर बताया वो आपकी समझ में ना आया हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप डीएम मारो, मैं आपको पूरा सिनेरियो क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरी हाइट के बारे में प्रूफ देखना चाहते हो कि 6 फीट 5 इंचज है या नहीं है, तो नीचे एक चैनल का लिंक डाल दूंगा 6.5 फुट व्लॉग्स के नाम से, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब करो चैनल को और देखो मैंने वहाँ पर एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने अपनी हाइट दिखाई है, वाकई में 6.5 फुट है और कोई यहाँ पर फेक चीज़ नहीं फैलाई जा रही है, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको बताया आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।